प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप किसी लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िया अली खान। तो मैम से आज बहुत ही एक सेंसिटिव भी, यूनिक भी, इंटरेस्टिंग भी और हमेशा से ही होने वाला मुसलमानों के लिए आज बहुत ही एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पर आपके अलावा शायद ही उस तरह से कोई भी अपनी राय रख पाए जैसे आप रखती हैं एज यूजुअल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारे लिए टाइम निकालती हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आप हमारे प्रोग्राम में आती हैं। थैंक यू सो मच। मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, वालेकुम अस्सलाम। और इतना शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है भाई, प्लेटफॉर्म होना चाहिए और बात लोगों तक बातें पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और एक आप जैसी राय तो स्पेशली पहुंचनी चाहिए जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आई थिंक सो। तो मैम टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो है वो ये है कि यूके के अंदर इस टाइम मुस्लिम्स जो हैं उनकी जानिब से दंगे फसाद हो रहे हैं। सुनने में और देखने में ये आया है कि मुस्लिम्स चाहते हैं कि शरिया लॉ वहां पर क्रिश्चियंस के कंट्री में वो लागू करवा लें, शरिया लॉ हो जाए वहां पर। और दूसरी तरफ भाई क्रिश्चियन का मुल्क है तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे। और एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन नजर आती है कि मुस्लिम जो है दूसरे ममालिक में भी जाकर सड़कों पे, रोड वगैरह पर नमाज पढ़ते हैं, जैसे पाकिस्तान में एज यूजुअल हो जाता है जब टाइम हो जाता है तो वो वहीं पर पढ़ने लग जाते हैं, तो वहां पर जाके करते हैं, रोड ब्लॉक हो जाती हैं। तो अब एक चीज सामने आती है कि उनकी जानिब से, यूके की जानिब से कहा गया है कि अगर अब कोई चौराहे पे अल्लाह अकबर का नारा लगाए या फिर बाहर रोड को जाम करे, वहां पर नमाजें पढ़े, तो फौरन पुलिस पकड़े और अरेस्ट करके इसे अंदर कर दे, मतलब बैन कर दिया गया है इन सारी चीजों को। और इससे मुस्लिम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्या ठीक हुआ या गलत हुआ? अनम, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक वो मुसलमान होते हैं जो अपने इस्लाम को बहुत खूबसूरती से सबके सामने पेश करते हैं, वो मुसलमान जो वाकई में अल्लाह तबारक ताला से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं और इज्जत भी करते हैं, मोहब्बत और इज्जत दोनों करते हैं। वो कभी भी ऐसी कोई बेजा हरकत कर ही नहीं सकते हैं जिससे उनके इस्लाम को क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए या उनके इस्लाम की बेहुर्मती कोई और इंसान उनको समझाने के लिए करे। अब क्या है कि हमारे मेरे परिवार का कोई भी मर्द कभी भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकता है। अगर मस्जिद के अंदर उनको जगह नहीं मिलेगी तो वो अपने घर आ जाएंगे और घर के अंदर वो मुसल्ला बिछाएंगे और नमाज पढ़ लेंगे। शायद आप पाकिस्तान से हैं, शायद आपके घर में भी यही होता होगा, आपके घर के मर्द नहीं पढ़ सकते। अब इसकी इस्लामिक वजूहात को समझना पड़ेगा। हम सबको पता है जिसने अल कुरान को बहुत अच्छे से, खूबसूरती से, बारीकी से पढ़ाया और बामायने पढ़ाया, मैं उन मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ जिसने कुरान को अरबी में सिर्फ रट लिया है, क्योंकि जो भाषा आपको समझ में नहीं आती है, आप उसको सही से समझेंगे नहीं तो आप जानेंगे ही नहीं कि आपका इस्लाम आपको किन किन चीजों के लिए बता रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे। तो हमारी जो इबादत है वो किसी को दिखा करके, किसी को चमकाने के लिए नहीं होती है। हमारी जो इबादत होती है वो हमारे लिए होती है और अल्लाह की नजर होती है। हम अपनी इबादत से किसी को तकलीफ पहुंचाएं, हम अपनी इबादत से किसी को चमकाएं, हम अपनी इबादत से किसी को डराएं, हम अपनी इबादत से किसी के धर्म को हम बेइज्जत करें, ये हमारे अल कुरान ने और हमारे अल्लाह तबारक ताला ने हमें इस चीज की इजाजत कभी नहीं दी, कभी भी नहीं दी है। द सेकेंड थिंग इज के रोड जो होता है, चाहे वो दुनिया के किसी किसी भी देश का और किसी भी शहर का रोड हो,
उसमें जूता चप्पल पहन करके हम चलते हैं, उसमें बहुत सारी गलाजत होती है, तो उस गलाजत वाली जगह पे जहाँ पर जूता चप्पल पहन करके आदमी बाथरूम भी जाता है और रोड पर भी चलता है, वहां पर मुसलमानों की नमाज होती कैसे है? सबसे पहला सवाल तो ये उठ जाता है कि वहां पर आपने मुसल्ला बिछाया कैसे और वहां पर आपने नमाज पढ़ी कैसे इतनी गलाजत वाली जगह पर रोड पर? तो इसका मतलब है कि एक नमाज है जो अल्लाह की नजर में होता है और एक नमाज है जो लोगों को डराने और चमकाने के लिए होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि यूके के ब्रिटेन की शायद आप मुझे बात बता रही हैं, क्योंकि ब्रिटेन में अभी एक ऐसा हादसा सामने आया था और कई छोटे छोटे बच्चों को भी वरगला करके उनको समझा करके रोड पर नमाज पढ़वाया गया था और बच्चे जो है वो ट्रैफिक को ब्लॉक कर करके नमाज पढ़े हैं रोड पर। अब आप सोचिए कि ये मानसिकता कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है। और देखिए अनम, हमेशा क्योंकि आप भी मुसलमान हैं और आप इस्लामिक देश से हैं, मैं भारत की हूँ और मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी इस्लामिक नहीं बल्कि मैं संवैधानिक देश से हूँ, पर क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम किसी को डराने के लिए बनाया गया है? क्या अल्लाह तबारक ताला ने अल कुरान को, जो हमारी अल्हामी किताब को नाजिल किया, वो किसी को डराने के लिए किया है? तो जब नहीं किया है तो फिर डराया जा क्यों रहा है इस्लाम के नाम पर? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके लोगों को डरा करके अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आप देखिए, अभी हालिया में जब हज हो रहा था, वहां पर कई न्यूज आए और इंटरनेशनल न्यूज बने हैं। मैं आपको कोई भारत का न्यूज नहीं बता रही हूँ, बल्कि उस टॉपिक पे भारत में न्यूज बना ही नहीं। मैं अल जजीरा का बता रही हूँ, मैं बीबीसी वर्ल्ड न्यूज का बता रही हूँ, और अभी आपने जो टॉपिक मुझसे आप डिस्कस कर रही हैं, वो भी बीबीसी वर्ल्ड न्यूज उर्दू का है जो आप अभी आप मुझसे डिस्कस कर रही हैं। मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा में रेप हुआ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अल जजीरा ने छापा है, ये बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने छापा है भाई, ये इंटरनेशनल न्यूज बना है कि मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा में बलात्कार हुआ है और कितनी विक्टिम्स ने अपनी आप बीती खुद न्यूज रिपोर्टर को बताया है कि भाई मेरे साथ ऐसा मक्का में हुआ था, और जिसमें से आपके पाकिस्तान की भी 3 महिलाओं ने अपना इंटरव्यू दिया है कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ गलत हरकतें हुई हैं मक्का मदीना में। अब ये न्यूज भारत का नहीं है, और इस न्यूज का जो रेफरेंस मैं आपको दे रही हूँ वो भी मैं अल जजीरा और बीबीसी का दे रही हूँ, और अभी जिस टॉपिक को आप लेकर के बैठी है ना वो भी बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के उर्दू का है, मतलब इसका कोई ताल्लुक भारत से नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे मुसलमान भारत में हैं जो जानबूझ करके हम जैसे मुसलमानों को टारगेट करते हैं ताकि हम उनकी असलियत को सामने नहीं लेकर आए। अब अभी इसी वक्त मैंने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पर एक पोस्ट किया है, एक 70 साल का ज़ईफ आदमी 7 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा था, पूरा नंग धड़ंग रंगे हाथ पकड़ा गया है, और वो व्यक्ति 70 साल का अनब, वो अपने अपने मोहल्ले में इस बात के लिए फेमस था कि वो शरिया की बातें मुसलमानों को बताता था, वो कुरान की बातें मुसलमानों को बताता था, लेकिन भीतर भीतर वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था। तो मुंह पे आप अल्लाह अल्लाह रखे हो और अपने पैंट के जिप को खोल करके औजार निकाल करके आप बलात्कार कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि कोई भी व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज भी ना करे, कोई भी व्यक्ति आपकी गंदी हरकतों को बोले भी ना, कोई भी व्यक्ति आपको ये ना समझाए कि आपने अपने जुबान पर जो अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद का नाम रखा है उसके बाद आप किसी 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कैसे कर सकते हैं? या तो आप बलात्कारी हैं और या तो आप रसूल की उम्मत से आते हैं। अगर आप रसूल की उम्मत से आते हैं
तो आप बलात्कारी नहीं हो सकते हैं, और आप अगर बलात्कारी हैं तो आप रसूल की उम्मत से कभी नहीं आ सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने न सिर्फ मजहब के ठेकेदारों बल्कि इस्लाम के नाम पर डराने वालों को भी आड़े हाथों लिया और जम के उनकी क्लास लगाई। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे नाजिया खान जी को बॉयकॉट करने का पूरा एक सिस्टम चल रहा है और हमें नाजिया खान जी को सपोर्ट करना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके और शेयर करके। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।